है फ्रेंड्स, हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में सारे केस पढ़ चुके थे, 6 केस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ चुके थे और 2 केस कन्वेक्स मिरर का पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज के लेक्चर में साइन कन्वेंशन देखेंगे। ये क्या है? साइन कन्वेक्शन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। व्हाइल डीलिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, वी फॉलो ए सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन। इसको क्या बोलते हैं? इस साइन कन्वेंशन का क्या नाम है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इन दिस कन्वेंशन द पोल पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज ए ओरिजिन। इसमें क्या करते हैं? हम पोल को क्या लेते हैं? ओरिजिन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये हो गया मिरर, हो गया ये क्या हो गया? मिरर हो गया, ठीक है। तो इस पोल को हम क्या लेंगे? यहाँ पे मान लीजिए हमारा पोल है, यहाँ पे क्या है? ये रेड से जो दिखेगा वो क्या है? पोल है, ये क्या है? ये हमारा पोल है, यानी इसको हम बोलेंगे पी। पी और पी हमारा क्या होगा? ओरिजिन होगा। पी हमारा क्या होगा? पी इज ओरिजिन होगा, ठीक है। पी हमारा क्या होगा? मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द कन्वेंशन इज फॉलो। एंड जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसको हम लोग जो फोकस और इसको पोल को मिलाता है, ये जो होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेड से हम दिखा रहे हैं वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस को हम लिखेंगे एक्स, और इसको एक्स, और इसको एक्स, एक्स 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 डैश एक्स। क्या कर सकते हैं हम इसको? एक्स डैश एक्स लिख सकते हैं। अब क्या कर रहा है? द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, द कन्वेंशन आर एज फॉलो। अब सेकंड हम पॉइंट टू पॉइंट देखते जाते हैं कि आगे क्या कह रहा है हमारा। आगे कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दैट इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा ऑब्जेक्ट जो होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट के तरफ रखेंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा किधर होगा? लेफ्ट के तरफ होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा किधर होगा? लेफ्ट के तरफ होगा, ठीक है। अब चलिए, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितना भी डिस्टेंस हम ए हमारा याद रखना है कि ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहां से मेजर करेंगे? वो यहां से ही इस पोल से मेजर करेंगे। कहां से? इस पोल से मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। अब ओरिजिन हमारा क्या है? पोल है। पोल से ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से राइट अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आर टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव होगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है हमारा कि अगर हम इधर का डिस्टेंस क्या होगा? इधर का डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इधर का डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना। इधर का डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। और इधर का डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये यही कह रहा है। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव, इधर ऊपर होगा तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और नीचे अगर आएंगे तो निगेटिव होगा। जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देखते थे ना, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो इसमें इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर आइएगा तो एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होगा, थर्ड में आइएगा तो एक्स निगेटिव, फिर यहां पे क्या होगा?
y पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा इसमें निगेटिव निगेटिव, यहाँ से चलते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। अब चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू अबव एंड बिलो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा अगर जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज निगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से हम नीचे कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो ये पांच रूल हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, एक बार इन सबको इरेज कर लेता हूँ और फिर हम लोग आगे का जो है वो देख लेंगे। आप लोग क्या करें कि आप लोग एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, और नहीं तो नोट्स बनाते रहे, जो जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स आप बनाते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे का टॉपिक देखते हैं। अभी आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब इसमें भी दिखाया गया है आपको कि ऐसे का किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा, तो ये दिखाया गया है। जैसे हमारा यहाँ पे मिरर हो गया हमारा, एक बार इसको इरेज कर लेते हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे ये मिरर है। अब इधर का डिस्टेंस जो होगा पॉजिटिव होगा, मैंने पहले ही बताया था, इधर का निगेटिव, नीचे का निगेटिव और ऊपर का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी एक चीज और कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज लेंगे तो पॉजिटिव होगा। इतना एक और तरीके से आप याद रख सकते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर किसी भी चीज को लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी इंसिडेंट रे इधर जा रहा है तो इधर के डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव होंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट क्या है, इधर है, तो इधर के डायरेक्शन में सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इधर के डायरेक्शन में सारे क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे, और इधर के डायरेक्शन में सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। अब कहता है कि इन द स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे स्फेरिकल मिरर में वो कहां से मेजर करेंगे, हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो स्फेरिकल मिरर में कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से जो भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। किससे, यू कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई यू। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इन द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वी से डिनोट करेंगे। यू ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। अब पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। तो हमको तीन डिस्टेंस याद रखना है, एक तो फोकल डिस्टेंस, एक इमेज डिस्टेंस और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम एक बार बता देता हूं क्या होता है, कैसे क्या करना है। हमारा u जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, हमारा b जो होगा वो इमेज डिस्टेंस होगा, और हमारा f जो होगा वो क्या होगा, फोकल डिस्टेंस होगा। तो हमारा There is a relationship between the quantity of the given as mirror formula. एक mirror formula हमको याद रखना है, क्या याद रखना है, हमको mirror formula याद रखना है। Mirror formula क्या है, mirror formula यही है कि 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। तो इस formula को आपको कंठस्थ कर लेने हैं, हमेशा के लिए याद कर लेने हैं इस formula को, क्योंकि इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यह फॉर्मूला किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट हो, जितने भी सिचुएशन हम लोग पढ़े हैं वो सारे में वैलिड होता है। यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन
while substituting the numerical value of u v f and r of the mirror formula thus solving the problem. The problem जब हम solve करेंगे किसी भी mirror formula का तो हम ये sign convention का जरूर ख्याल रखेंगे और sign convention से हम देखेंगे कि हमारा u और v क्या पॉजिटिव है negative है. ये सारे को हम लोग जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में प्लस माइनस में ही ज्यादा लड़कों के दिक्कत होते हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को साइन कन्वेंशन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए जो कि हमने बताया आपको याद रखना है. साइन कन्वेंशन का रूल याद रखना. और आगे हम लोग बढ़ते हैं. आगे हमारा है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मतलब होता है मैग्निफाई. कोई भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन यानी आप समझ लीजिए जूम टाइप का है. जब किसी भी चीज को हम जूम करते हैं तो हम जूम में बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है. उसका हाइट बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है. लेकिन हम लोग को एक एक लाइन पढ़ने हैं तो हम लोग एक एक लाइन पे आप ही विचार करेंगे. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए स्फेरिकल मिरर गिवेन द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. यानी हमारा इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना मैग्निफाई है ये बताता है. तो ये मैग्निफिकेशन का ये डेफिनेशन हो गया कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंट. यानी हमारा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज जो है कितना मैग्निफाइड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. यानी हमारा ऑब्जेक्ट अगर इतना है तो हमारा हो सकता है कि इमेज इससे बड़ा बने, हो सकता है कि इमेज सीधा बने, हो सकता है कि इमेज इससे छोटा बने, पॉइंट बने और उल्टा भी बन सकता है. तो हम लोग को सारे पता चलेगा कि ऑपोजिट बन रहा है वो भी पता चल जाएगा और सेम साइज का बन रहा है तो भी पता चल जाएगा, बड़ा बन रहा है वो भी पता चल जाएगा. तो हम मैग्निफिकेशन हमको क्या चल जाएगा, मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का मैग्निफिकेशन क्या है. तो देखिए ए फॉर्मूला दिया. इफ एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एच क्या है, एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एच आपको याद रखना है. एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड एच डैश क्या है, एच डैश इज द हाइट ऑफ इमेज. Then the magnification m of a spherical mirror is given by m जो होता है हमारा m का a formula है. ये आपको याद रखना है. कौन सा formula, ये वाला formula आपको याद रखना है magnification का. magnification is equal to क्या होगा, height of image by height of object. height of image divided by height of object. यानी m is equal to क्या हो जाएगा, h dash by h. क्या हो जाएगा, h dash by h. S dash by H. The magnification M can also be related to the object distance U and image distance V and can be expressed in the form of. अब magnification को V और U के form में भी लिख सकते हैं हम लोग. magnification को किसके form में लिख सकते हैं, V और U के भी form में क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं. तो magnification को V और U के form में हम लिखेंगे तो हमारा magnification क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाई एच. क्या हो जाएगा, एच डैश बाई एच बराबर माइनस वी बाई यू. अब ए माइनस जो है वो फॉर्मूला का है, ये मत सोचिएगा कि ये माइनस साइन कन्वेंशन का है. ए माइनस फॉर्मूला का है, जब इसमें आपको रखना होगा फॉर्मूले का है, फॉर्मूला का माइनस है और साइन कन्वेंशन के अनुसार हमको वी और यू का साइन रखना है. ठीक है ना, तो ये आपको ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ये साइन जो है वो हमारा कहा है फॉर्मूला का साइन है. ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट में क्या कहता है, यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है हमारा तो हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा. द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्चुअल. वर्चुअल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. अब हम आगे चलते हैं. हाँ देखिए क्या कह रहा है यहां पे,
कि the height of the image should be taken as positive for virtual image. Virtual image के लिए height क्या होगा? Positive होगा. However, it is been negative for real image. तब positive किसके लिए होगा? Virtual के लिए. Virtual अगर है तो हमारा क्या होगा? Positive होगा. तो याद रखिए virtual के लिए क्या होगा? Positive होगा. However, it is negative for the real image. अगर real image बनेगा तो negative होगा. A negative sign in the value of the magnification indicate the image is real. अगर negative sign है तो sign देख के ही हमको पता चल जाएगा कि हमारा image क्या है? Real है. A positive sign of the value of the magnification gives the image is virtual. अगर positive sign है magnification का तो image हमारा क्या बनेगा? Virtual बनेगा. यानी हमारा m का value जो है वो बता देगा कि हमारा image real बनेगा या virtual बनेगा. ठीक है, तो ठीक है, हम इसके आगे बढ़ जाते हैं. आप इतना आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसको अंडरलाइन तो कर ही दे रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा. अब है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे बनाया गया. दिया है कि क्वेश्चन में हमारा काम है एक एक लाइन पढ़ना और आगे बढ़ना. तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले और इस लेक्चर को खत्म भी करेंगे क्योंकि टाइम भी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा. एक कन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर अ रेयर व्यू ऑफ ए ऑटोमोबाइल. तो पहले हमने बता चुका है आप लोगों को कि कन्वेक्स मिरर ऑटोमोबाइल के रेयर व्यू के लिए यूज होगा. ये बात भी रिकॉल हो गया, एक बार रिकॉल हो गया. ठीक है ना. हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस दिया है यानी आर दिया है. ऑफ ए बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर. मिरर से 5 मीटर पे है, बस है, बस है. फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज. पोजीशन भी ज्ञात करना है, नेचर भी ज्ञात करना है, साइज भी ज्ञात करना है. तो हमको आर ज्ञात है. आर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अब ए ऐसे मिरर है, कन्वेक्स मिरर हमारा ए है. ठीक है, तो R जो होगा, R क्या होगा? हम R is +3 मीटर हो गया. तो U क्या हो गया? माइनस. U इधर होगा कहीं, प्लस बस कहीं इधर होगा. तो U is क्या हो गया? निगेटिव हो गया. U क्या हो गया? निगेटिव हो गया. एंड V और H के बारे में पता नहीं है. हमको ये पता है कि F इज इक्वल टू R बाय 2 होता है. तो यहां से 3/2 करके 1.5 निकल गया. और फिर हम लोगों ने क्या किया? फॉर्मूला लगाया. कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोग एक बार देखते हैं. फिर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया? 1/v + 1/u. ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए. ये फॉर्मूला हमने लगाया 1/v + 1/u = 1/f. यानी v का वैल्यू तो हमको पता नहीं है. तो 1/v = 1/v - 1/u कर दिया. तो इससे निगेटिव हो गया. यहाँ से हमारा यू वी का वैल्यू आ गया. साइन के साथ रखना पड़ेगा हम लोगों को. सब जो भी चीज रखना होगा साइन के साथ रखना होगा. ठीक है ना. तो हमारा इस साइन के साथ हम रखेंगे जो भी चीज. क्या है रखना है हमको? क्या चीज के साथ रखेंगे? साइन के साथ रखेंगे. ठीक है. कनकेव नहीं है, एक कन्वेक्स मिरर है. तो कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, एक कनकेव नहीं दिया है. ये इसमें कन्वेक्स मिरर दिया है. तो ये हमारा डायग्राम जो है वो अलग कन्वेक्स का कनकेव का बना है. एक कन्वेक्स मिरर दिया है. तो कन्वेक्स मिरर कैसा होगा? आपको कन्वेक्स मिरर दिया है तो कन्वेक्स मिरर ऐसा होगा. तो अब इधर इधर वाला ऑब्जेक्ट हमारा किधर रहेगा? ऑब्जेक्ट हमारा इधर रहेगा. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? निगेटिव हो गया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आर किधर रहेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर सी. सी हमारा इधर रहेगा कहीं, सी होगा. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया? हमारा निगेटिव हो गया. तो ये हमारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया. एक बार देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये आपको पॉजिटिव है आर और ये निगेटिव है. इधर है तो पॉजिटिव है, इधर है तो निगेटिव है. इसके बाद एफ निकाला आर बाई टू करके 1/v = 1/f - 1/u करके यहां से निकाल दिया. और फिर यहां से हमारा v का वैल्यू पॉजिटिव आया. यानी द इमेज इज इतना मीटर
एट द बैक ऑफ द मिरर, मिरर के क्या बनेगा, बैक साइड में बनेगा, इमेज किधर बनेगा, बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगा। अब इसके बाद उसने क्या किया, V निकल गया, U निकल गया, अब मैग्निफिकेशन निकाला इसने, क्या किया मैग्निफिकेशन निकाला, मैग्निफिकेशन निकाला तो मैग्निफिकेशन में क्या किया कि M इज इक्वल टू H बाई U कर दिया, माइनस V बाई U करके यहां से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज हमारा क्या बनेगा, इमेज जो होगा वो हमारा वर्चुअल एंड एरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज बनेगा, और इतना डिस्टेंस पे बनेगा, पॉजिटिव आया तो वर्चुअल और एरेक्ट बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आप लोग लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हम और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।